अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी रतिष्णक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आप दुपट्टे के साथ कैसे हिजाब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इतने मैसेजेस आते हैं कि आप ही प्लीज हमें बताएं, हमें ये बहुत मुश्किल लगता है और हम लोग नहीं जा सकते हैं बाजारों में कि जो हमें सूट पहनना है उसका हम लोग हिजाब अलग से बाय करें जाके, और ना ही हम ऐसे लाइक कर सकते हैं। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बाकी आप हमें दुपट्टे का हिजाब बताएं जिसमें हमें मासी लुक भी ना आए, मासी लुक भी ना आए और हम जो है वो दुपट्टे को अच्छे से डिसेंट वे कैरी कर सके। तो आज हम वो सीखेंगे। मैंने बेसिकली दो तीन टाइप्स के दुपट्टा ले लेंगे, शिफोन का, क्रेप का, लॉन और कॉटन, यही बस दुपट्टे होते हैं ना ज्यादातर। तो आज हम लोग वो सीखेंगे। बेसिकली मैंने ये भी जो है वो ये दुपट्टा ही लिया हुआ है, ये क्रेप का दुपट्टा है। तो वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का बटन जो है ये कॉर्नर पे है ना, बेल बनी हुई है, ये दबा देना है, और साथ वीडियो लाइक एंड शेयर तो आई नो दैट आप लोग कर देंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो हिजाब किया ना, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जनाब ये क्रेप का दुपट्टा है, ठीक है। ये सबसे पहले आप लोगों ने जो हिजाब कैप है ना, पहले बाल अपने अच्छे से कवर करने। अगर बाल आपके निकलेंगे ना तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है, आपको बाल अंदर अंदर ऐसे ऐसे उंगलियों के साथ करने पड़ेंगे। तो बालों को अच्छे से कवर कर दें। ये देखिए मैंने जो है ये स्टॉलर, छोटा सा स्टॉलर या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप, उसको अच्छे से जो है बालों के साथ कवर कर दें ताकि आपके बाल जो है निकले ना, ठीक है। उसके बाद जनाब मैंने क्या किया, ये देखें ये हिजाब जो मैंने किया है ना, ये करेब का दुपट्टा है लंबा सा, बेसिकली मेरी मम्मा का दुपट्टा है। तो मैंने क्या किया, इसको किया ऐसे तय लगाया, मतलब इस तरह करके, ठीक है। इसको मैंने, ये था ना ऐसे, ये चुड़ाई थी, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है, ये दो हो गया। इसको करके अब मैंने जो है ये पूरा का पूरा ऐसे ना, इसको ऐसे रख लिया आपने इसके ऊपर, ठीक है, सर के ऊपर। सर के ऊपर रखने के बाद ये देखें दो पल्लू हो गए ना, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे करूंगी और ये मैंने इस तरह इसको रख लिया। रखने के बाद मैं क्या करूंगी, ये जो है ना एक साइड पे ये देखें ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसकी एक साइड जो है ना वो मैं करूंगी, इसको अंदर से निकालूंगी और इसको पीछे ले जाऊंगी, ठीक है। इसमें आपको पिन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बड़ा इजी से कैरी हो जाता है, ठीक है। ये लिया और इसको थोड़ा सा आपने सेट करना है पीछे से, इसको अगेन जो है यहां से करके ना, अगेन यहां से करके दूसरा वाला, जब बेसिक ऊपर वाला पल्लू है ना ये आपने ऐसे ही रखना है। आप लगा सकते हैं, पिन लगानी है तो लगा लें वरना रहने दें। और इसको ऐसे करके ये जो आपका पीछे से खाली था ना, इस वजह से ये आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये देखें जी, ये आपका आराम से कवर हो जाएगा और ये बड़ा डिसेंट सा दुपट्टा आपका बन जाएगा। इसको भी आप जरा साइड पे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये बड़ा अच्छा सा लग जाएगा, आपका हिजाब भी हो जाएगा और दुपट्टा भी कैरी हो जाएगा। और ये देखें ऐसे पीछे से होगा, ये ठीक हो गया, समझ आ गई। अब आप लोगों को, आप लोगों ने चाहना है कि क्योंकि दुपट्टा है ना, दुपट्टा थोड़ा सा यहाँ से ढिलका ढिलका सा अच्छा लगता है, नीचे वाले हिजाब को आप अच्छे से यहाँ से कैरी करके आप यहाँ पे पिन्स भी लगा सकते हैं बैक साइड पे अंदर यहाँ पे इसको साथ, ताकि आपका ये हिले ना, और आराम से जो है विदाउट बाकी पिन्स के बगैर भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये आपका हिजाब भी हो जाएगा और आपका अच्छे से कवरेज भी हो जाएगी फ्रंट से भी और बैक से भी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्रेप का। एक तो ये स्टाइल है, दूसरा स्टाइल भी मैं सिखा दूं। अब हम चलते हैं दूसरे स्टाइल की तरफ। तो जी जनाब, अब हम चलेंगे दूसरे स्टाइल की तरफ। दूसरे स्टाइल के लिए मुझे दूसरा दुपट्टा लेना पड़ेगा या इसी से गुजारा करें। अच्छा, दूसरा स्टाइल ये होगा कि हम इसको करेंगे, वेट, इसको करेंगे ऐसे, ये मैंने कर लिया ऐसे, ठीक है। और इसको आप जो है वो इस तरह भी कैरी कर सकते हैं, इस तरह करके भी कैरी कर सकते हैं और इस तरह भी कैरी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो जाता है हमारा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको करें, यहां से डबल वेट, ठीक है, यहां से किया हमने डबल और ये चीज आ जाती है हमारे पास, ठीक है, ये चीज आ गई। ये चीज जो आपकी, ये चीज ना, ये वॉल्यूम जो है थोड़ा सा, ये आपके बालों को जो आपने कवर किया हुआ अच्छे से,
आप इसको, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके बालों में, ठीक है। ये मैंने हिजाब पिन ली और ये मैंने यहाँ से इसको बांधा, चलें ठीक है। इसको मैंने अच्छे से पूरा कवर किया और इसको जो है वो यहाँ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये कवर हो जाएगा, ये देखें, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं, ठीक है। या फिर जो है इसको अगेन जो है हम लोग ऐसे करके और ऐसे भी कर सकते हैं। ये काफी स्टाइल्स बन जाते हैं दुपट्टे के साथ, पीछे से आपको पूरी कवरेज मिल रही होगी, ये देखें, ठीक हो गया। अदरवाइज अगर आपने फुल कवर करना है आगे से भी पीछे से भी, तो आप जो है ये देखें, मैंने डबल करके बांधा था ना, अब मैंने इसका पल्लू ले ली, सॉरी किनारा ले रही हूँ, ठीक है। यहां से लेके इसको करेंगे ऐसे और ये हमारा बन जाएगा दुपट्टे का हिजाब। यहां पे हम पिन लगा देंगे, ठीक है, ये पिन लगा दी हमने। और बस आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर लें जैसे आपको अच्छा लगता है। सो ये चीज आप दुपट्टे के साथ भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, ये बेसिकली क्रेप का दुपट्टा था, इसकी ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जो शिफोन का दुपट्टा है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो ये अब हम जो है नेक्स्ट इससे सीखेंगे कि ये कैसे करना है। ये देखें, पहले मैं आपको इसी के ऊपर पहले सिखा देती हूँ। ये हमने लिया दुपट्टा, ठीक है, शिफोन का, और इसका पल्लू लेना है आपने। पल्लू लेके ना आपने इसको पहले तो ऐसे बांधना, जो मुझे अच्छा लगता है इसका करना, जिससे आप अच्छे से कवर हो सकते हैं, ठीक है। इसी की कैप भी बन जाएगी, मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ बांध कैसे करके, ठीक है। पल्लू लिया आधा उसका चीज अंदर की, अंदर करने के बाद इसको ऐसे करके आपने बांध लेना है ऐसे, ठीक है। मैं आपको अभी ये उतार के बांध के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने पिन लिए और ये मैं इसको पीछे से बांध दूंगी, ठीक है। ये मैंने अब बांध दिया, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके बांध दिया। अब मैं लेकर आऊंगी इसको आगे। अच्छा, शिफोन का जो दुपट्टा होता है ना, अक्सर इसकी दोनों साइड सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमने ये आगे वाली साइड लानी है, पीछे वाली साइड लानी है। तो इसको मैं क्या करूंगी, यहां से पकड़ के ना इसको मैंने, ये देखे ना ऐसे था ना, ऐसे जो मैंने इधर वाला पल्लू था ना, इधर वाला किनारा था, इसको क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हैं इसको, ये देखे पकड़ के मैं इधर लेकर आई ये वाला, ठीक है, इसको मैंने सारा इधर ले आई। अब मैंने क्या करना है, अच्छे से यहां से डबल करके, डबल कर लें, अगर आपका दुपट्टा ज्यादा चौड़ा है तो आप इसको डबल कर सकते हैं। डबल करने के बाद ऐसे कर लें, ठीक है, ये देखें, यहां पे आप थोड़ी सी नोक भी बना सकते हैं, वरना शिफोन के दुपट्टे को बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, तो आप सिंपल इसको जो है, ये देखिए यहां पे ऐसे करके ना चुनट भी डाल सकते हैं यहां पे, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। आपने यहां पे पिन लेके एक पिन लगानी है, ठीक है, ये पिन लगा दिए। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको भी नोक बनाने की, ये हमारी नोक जो है वो बन चुकी है। और अगेन जो है काफी लंबा दुपट्टा है ना, तो ये मैं करके बस यहां से इसको ये बना दूंगी, बस ये हमारा एक बैंड सा भी बन जाएगा यहाँ पे, और दैट्स इट, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा जो है वो सेकंड शिफोन के साथ आ गया। अगेन जो मैंने नीचे पिन लगाई थी वो अब मैं उतार के इसको ऊपर ही, इसके ऊपर लगा दूंगी, ताकि वो दोनों को कवर कर ले। ठीक है, ये देखें, अब मैंने लगा दिया इसको ऐसे करके, और ये हमारा जो है वो शिफोन के साथ भी हो गया दुपट्टे के साथ हिजाब। इसके भी बैक साइड दिखाती हूँ, बैक साइड में बहुत दुपट्टा है अभी, ये देखें, ठीक हो गया। और ये हमारा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
तो ये हमारा जो हो गया शिफॉन के दुपट्टे के साथ, आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सबसे इजी यही लगता है इसको बांध देना यहाँ से, इसका पल्लू जो है ना जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा जो है और शिफॉन के दुपट्टे के साथ ना और मुझे कोई भी पसंद नहीं है हिजाब करना। बाकी हम सीखेंगे लॉन के दुपट्टे के साथ या कॉटन के दुपट्टे के साथ। तो ये मैंने लिया हिजाब, सॉरी दुपट्टा, ये देखें, ठीक है दुपट्टा लिया, सबसे इजी मुझे ना इसके साथ लगता है। ये देखिए हमने सिंपल इसको लिया, ये बल्कि मैं उतार दूं। अच्छा जी, ये मैंने उतार दिया। और अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको किनारा जो है ना आपने ये वाला, ठीक है, इसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है और बस सिंपल इसको आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, ऐसे करके बस सिंपल, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से पीछे पीछे कर लेना और यहाँ से जो है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसका दुपट्टा लेने का, ठीक है, ये चीज आपकी होनी चाहिए। एक और तरीका है कि मैं अपनी नेक भी कवर करना चाह रही हूं, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे ऐसे, ये देखिए इसको पकड़ा मैंने ऐसे करके, यहां पे लगा दिया एक पिन, ठीक है, ये मैंने पिन लगा दी, मैंने मेरा जो है ये चीज भी कवर हो गई। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे करके सिंपल यहां थोड़ा सा टर्न करूंगी, यहां से भी टर्न करूंगी ताकि हमारी नोक जो है ना यहां से परफेक्ट बन जाए, ठीक है। और ये मैं इसको ऐसे ले जाऊंगी पीछे, ठीक है। एक आप ये चीज भी कर सकते हैं अगर आपने नेक जो है वो छुपानी है, और यहां पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। ये देखें ऐसे थोड़ा सा यहां से गोल कर ले, यहां से अगर आप नीचे को लाना चाह रहे हैं नीचे को कर लो, अच्छे से यहां से कवर करना है, देखें ठीक है जी। ये होगी हमारी लॉन के दुपट्टे के साथ, ठीक है। एक तो ये वाला स्टाइल हो गया, और तो सिंपल जो है हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको एक तो ऐसे भी ले सकते हैं, और दूसरी बात इसको मैं खोलूंगी, अगर आपके बॉर्डर अच्छा सा है तो आप जो है वो सिंपल ऐसे बस सिंपल। हिजाब कॉटन का और या लॉन का दुपट्टे के साथ आप कर सकते हैं इजीली रैंडम, और इसमें कोई भी ऐसी एसएच मासी लुक नहीं आती है मैं यार, ठीक है। और ये सिंपल आपने इस तरह इसको कवर कर सकते हैं, आगे से कवर करना जैसे मर्जी करना है, तो ये आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हर एक को मैं बोलूंगी कि कभी भी किसी को डिग्रेड ना करें, अगर वो हिजाब कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है, या अगर वो जैसा भी हिजाब कर रहा है एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है ना, तो वो आप कभी भी उसको डिग्रेड नहीं करें। अल्लाह ताला ने आपके हक में आपके आपको अथॉरिटी नहीं दी होती है दूसरों को बातें करने की, या आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप जज कर सकें कि ये बंदा जन्नती है या ये दोज़खी है, या इसका हिजाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हिजाब ऐसा होना चाहिए, ये करे। ये वाले जो लोग है ना जो यहां बैठ के पॉइंट आउट करते हैं, वो वाले लोग ना बने। आपको नहीं पता है कि आपकी एक बात जो है वो अल्लाह ताला को कितनी नापसंद आ जाए, और जो दुपट्टा ना लेने वाली भी है वो जन्नत में चला जाए, और आप जो है बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं और आप जो है वो खत्म दोजख में जा रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला दिलों के अंदर जो नीयतें हैं, दिलों के हाल हैं, वो बेहतर जानते हैं हमसे। सो किसी को भी डिग्रेड ना किया करें, हर किसी को उनकी लाइफ गुजारने दिया करें। कभी भी हर किसी को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, अगर आप अच्छा किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं, तो आप एटलीस्ट बुरा भी ना बोलें, ठीक है। ये बात आपको अपने दिल के खुशी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसकी बात या उसकी जो जिंदगी है या उसकी सेल्फ जो है वो किसी को भी जो है किसी की परेशानी का बायस बने। सो मैं बहुत सारा देखती होती हूँ, कहीं ना कहीं लोग कमेंट कर रहे हैं जी इसको हिजाब करवाओ, इसको ये करवाओ, उसको वो करवाओ, मतलब क्यों हम बात करें,
हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ पे तवज्जो दें, हम अपनी लाइफ को अच्छा करें, ताकि हर इंसान को जो क्यामत के रोज भी ना अपनी अपनी पड़ी होनी है, मतलब हर इंसान ने नहीं देखना है, इवन दैट आपके जो घर वाले हैं ना उन्होंने भी देखना नहीं है कि ये कौन है ये कौन है। इसलिए आप अपना आप सही करें, अपना आप अल्लाह ताला के साथ जोड़ें, अल्लाह ताला को राजी करें, अपना अपनी लाइफ को सही बनाएं, ना कि आप बैठ के पॉइंट आउट करें दूसरों को। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है, ये आप लोग बात आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और मेरे से बहुत ज्यादा समझ आ रहे हैं आप लोग। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए है वो भी मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड ये वीडियो कैसी लगी है और किस किस तरह के हिजाब चाहिए आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।